आज का प्रातः क्लास है 6 जनवरी 1969। मीठे मीठे शिकिले दे बच्चे ये तो समझते हैं, इस पुरानी दुनिया में हम अब थोड़े दिन के मुसाफिर हैं और दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं आज उन कितना टाइम पड़ा है, 40,000 वर्ष यहां रहने का है। क्योंकि कलयुग की आयु समझते हैं 40,000 वर्ष पड़ी हुई है, परंतु तुम बच्चों को तो निश्चय है कि ये दुनिया गई कि गई। ये बातें भूलो नहीं, अगर ये बात भूल जाएगी तो क्या नुकसान होगा है? इस दुनिया से वैराग नहीं आवेगा, और वैराग ही नहीं आवेगा तो संगम युग की जो प्राप्ति है वो प्राप्ति नहीं कर सकेंगे। इसलिए हर समय बुद्धि में ये रहना चाहिए कि ये दुनिया गई के गई। सतयुग की प्रारब्ध है ज्ञान, ज्ञान की वहां प्रारब्ध मिलती है सतयुग त्रेता में। द्वापर कलयुग में प्रारब्ध मिलती है भक्ति की। और संगम युग में ज्ञान भक्ति और क्या रह गया, वैराग। न सतयुग त्रेता में वैराग की बात है, न द्वापर कलयुग में वैराग की बात है, क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म पिताएं आए हैं और धर्मों से कनेक्टेड, वो इस दुनिया से राग बढ़ाते हैं कि वैराग दिलाते हैं, इस दुनिया से प्यार दिलाते हैं, रागी बनाते हैं। भले कोई सन्यासी वैरागी क्यों न हुए हों, घर घाट को छोड़ के जंगल में जाने वाले क्यों न हुए हों, वो जंगल भी तो इसी दुनिया में है। इस दुनिया से बुद्धियों को तोड़ करके परम धामवासी बुद्धि तो कोई की नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? क्योंकि एक तो आत्मा के स्वरूप को नहीं जानते और दूसरे आत्मा के घर को भी नहीं जानते, आत्माओं के बाप को ही नहीं जानते, तो वैराग कैसे आवेगा जबकि बेहद के बाप का ही पता नहीं है। जब बाप का ही पता नहीं है तो बेहद के वर्षे का पता होगा, बेहद के वर्षे का ही पता नहीं है। ये तो एक ही संगम युग है जहां बाप आकर इस पुरानी दुनिया से वैराग दिलाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें नई दुनिया का बेहद का वर्षा देने आया हूं। ये बेहद का वर्षा
सिवाय बेहद के बाप के कोई भी मनुष्य मात्र नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि सब हद के बाप हैं। बल क्राइस्ट 200 करोड़ से ज्यादा क्रिश्चियंस का बाप है, फिर भी हद का बाप है या बेहद का बाप है? उसे भी हद का बाप कहेंगे। 200 करोड़ के बाद हद समाप्त हो जाती। इस दुनिया की तो टोटल आबादी ही 500-700 करोड़ है, उसको कहेंगे बेहद। तो बेहद का बाप आया हुआ है। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं को पक्का पक्का बेहद का वैराग दिलाने के लिए। तो ये बात भूलो मत। क्या बात? अरे सारी कथा सुना दी, याद ही नहीं रहा कुछ। क्या बात नहीं भूलो है? कि अब घर जाना है। ये दुनिया में आग लगने वाली है। इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो वो आज देखने में आता है और कल खलास हो जाएगा। यहां बैठे हो तो भी तुम बच्चों को अंदर में बहुत गदगद होना चाहिए। क्योंकि जानते हो हमारी आत्मा तो अविनाशी है, बल्कि ये दुनिया विनाश हो जाएगी तो भी हम आत्माएं अविनाशी तो रहेंगी ना। इस पुरानी दुनिया में नहीं रहेंगी तो कहां रहेंगी? है अविनाशी आत्माएं कहां रहेंगी? है अविनाशी आत्माएं नई दुनिया में रहेंगी। अविनाशी आत्मा माना क्या? अविनाशी आत्मा का अविनाशी पार्ट होगा या थोड़ा बहुत विनाशी होगा? है अविनाशी आत्मा का पार्ट भी अविनाशी होना चाहिए। कितने जन्म ज्यादा से ज्यादा पार्ट बजाती है आत्मा? 84 जन्म पार्ट बजाती है। तो जो पक्का पक्का आत्मिक स्थिति वाले हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। एक जन्म भी उनका पार्ट कम नहीं होगा, एक जन्म का भी सुख नहीं कम होगा। ऊंचते ऊंचे और नई ते नई दुनिया का सुख भोगेंगे। ये भी बुद्धि में है कि हम आत्मा ने 84 जन्म पूरे किए हैं। निश्चय है या कभी संशय आता है? है निश्चय है कि हम पक्का पक्का अविनाशी आत्मा हैं। 2-4 जन्म अगर पार्ट कम हो गया तो आत्मा के पार्ट का विनाश हुआ ना। अविनाशी पार्ट बजाने वाले कहे जावेंगे नहीं। अभी हमको तो निश्चय है कि अभी बाप आया है हमको ले जाने के लिए। पुरानी दुनिया जब पूरी होती है तब ही बाप आते हैं नई दुनिया बनाने के लिए।
दुनिया को इस बात का निश्चय नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? क्योंकि वो तो शास्त्रों पर निश्चयवान है। शास्त्रों में लिखा है कि हर युग में भगवान बाप आते हैं। ऐसे कैसे हो सकता कि एक ही बार कल्प में आवे? परंतु बाप कहते हैं मुझे घड़ी घड़ी इस दुनिया में आने की दरकार नहीं है। लौकिक बाप होते हैं, जब मकान पूरा हो जाता है, आयु तमो प्रधान दुखदाई हो जाता है, टूट फूट हो जाती है, तब ही नया मकान बनाते हैं या नए मकान को तोड़ देते हैं? है, पुराना मकान हो जाता है तब ही तोड़ते हैं। तो ये भी सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान का जब तामसी स्टेज का पार्ट होता है और तमो प्रधानता में भी चौथी स्टेज होती है, तब ही बाप आते हैं। सतो प्रधान नई दुनिया बनाने के लिए तो नई दुनिया से पुरानी, फिर पुरानी से नई। इस चक्र का तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, दुनिया वालों की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि अनेक बार हमने चक्कर लगाया है, सतो प्रधान दुनिया से लेकर तमो प्रधान दुनिया तक का चार युगों का पूरा चक्कर, चौरासी का चक्र हमने लगाया है। अब ये चक्कर पूरा होता है, फिर नई दुनिया में हमें थोड़े देर बताए रहेंगे क्या? 33 करोड़ देवताएं नहीं रहेंगे है? अरे नई दुनिया भगवान बाप बनाने आता है तो 33 करोड़ देवताएं रहेंगे या थोड़े देवताएं रहेंगे? क्यों? क्योंकि देवताएं वो है जो पूरे 84 जन्म लेते हैं। वो हैं पक्के पक्के देवी देवता, सनातन धर्म के पक्के, और बाकी सब हैं कच्चे। सनातन धर्म के तो हैं, लेकिन कच्चे ब्राह्मण बनते हैं तो कच्चे देवता बनते हैं। कच्चे देवता माने क्या है? कच्चे देवता का मतलब कम जन्म लेने वाले और द्वापर युग से दूसरे दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होने वाले, और भारत को धोखा देने वाले। वो धोखा देने वाले यहां भी हैं, अभी अभी बाप का बनते हैं, फिर बाप को गाली देने लग पड़ते हैं, ट्रेटर बन जाते हैं। ट्रेटर ही नहीं बनते, ऐसे ऐसे काम करते हैं कि बाप की ही ऐसी तैसी कर दें दुनिया वालों के सामने। मनुष्य नहीं समझेंगे इन बातों को। नई दुनिया में देवताएं होंगे, मनुष्य नहीं होंगे। अभी हम तो मनुष्य से देवता बनते हैं। तो तुमको ये पक्का निश्चय है, बाकी सारा मदार कर्मों पर है, पक्के देवता बनने का अथवा कच्चे देवता बनने का अथवा दूसरे दूसरे धर्मों में रहने का। मदार किस बात पर है? कर्मों पर मदार है।
अभी बाप आकर कर्माकर्म विकर्म की गति समझाते हैं। कोई पूरी रीति समझते हैं, कोई नहीं समझते हैं। कोई एक कान से सुन करके दूसरे कान से निकाल देते हैं, समझने की तो बात ही दूर। कोई फिर सुनते भी हैं, समझते भी हैं और प्रैक्टिकल कर्म में भी लाते हैं। मनुष्य उल्टा काम करते हैं तो वो अंदर में खाता जरूर है। यहां भी जो श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं उनका दिल के अंदर खाता तो जरूर है ना। तो पाप का खाता बन जाता है, विकर्म का खाता बन जाता है। आत्मा के अंदर पाप कर्म करने का खाता बन जाता है, क्योंकि दिल के अंदर खाता है। इसलिए कहते भी हैं भक्ति मार्ग में, तेरा मन दर्पण कहलावे, मन माना दिल, दिल के अंदर छप जाता है। इसलिए बाप पूछते हैं कि तुमने इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं? किस जन्म में? पिछले जन्मों की तो बात ही छोड़ दो, वो तो याद नहीं रहता किसी को। लेकिन अभी ब्राह्मण जन्म लिया है तो इस जन्म में कोई पाप तो नहीं किए हैं? श्रीमत के बरखिलाफ कोई काम तो नहीं किया है? क्योंकि ये छी छी रावण राज्य है, सारी दुनिया में किसका राज्य है? रावण राज्य है। यहां मधुबन में रावण राज्य है या नहीं है? हैं? यहां भी रावण का राज्य है। अच्छे अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं फिर भी मन के अंदर रावण घुस जाता है। बाप एक बात चाहते हैं, वो अपने मन के आधार पर दूसरा काम कर बैठते हैं। तो मधुबन में माया रावण आता है कि नहीं आता है? यहां भी आके घुस के बैठ जाता है। ये भी तुम समझते हो कि दुनिया तो नहीं जानती है कि रावण किस चीज का नाम है? तुम तो जानते होंगे किस चीज का नाम है? है जो लोगों को रुलाता है, दुख देता है, वो ही रावण है। चाहे मनसा से ऐसे संकल्प करे, वाइब्रेशन छोड़े, चाहे वाचा से बोले, चाहे कर्मेंद्रियों से ऐसा काम करे जो दूसरे को दुख हो जावे, तो दुखी आत्मा रोएगी या हंसेगी? रोती है। बापूजी भी कहते थे कि हमें राम राज्य चाहिए, कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु क्या राम राज्य का अर्थ भी समझते थे? है वो राम राज्य का अर्थ समझते होते तो आज भारत में रावण राज्य नहीं होता, और ही जास्ती रावण राज्य हो गया। कहते थे राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य क्या होता है ये तो अर्थ ही नहीं समझते। अभी बेहद का बाप समझाते हैं कि राम राज्य किस प्रकार होता है। किस प्रकार होता है? है एक ही मत पर चलने से राम राज्य होता है।
और एक भी एक्स वाई जेड कोई भी चाहिए, कोई एक उठा लो इनकी मत पर चलेंगे तो रामराज हो जाएगा, हो जाएगा। फिर एक माने कौन है? है? अरे नाम ही क्या दिया, राम राज्य माना वो राम बाप की आत्मा कौन सी है, ये भी बुद्धि में बैठना चाहिए। बाप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बाप है, तो बाप को तो चिंता होगी ना कि सारी मनुष्य सृष्टि सुखी हो जाए, दुखी दुनिया सुखी हो जाए, मनुष्य सृष्टि रूपी मकान को नया बच्चे बनावेंगे या बाप बनावेगा? हैं? बाप बनावेगा। ये तो राम राज्य की दुनिया नहीं है, ये तो धुंधकारियों की दुनिया है। ये क्या होता है धुंध? क्या होता है धुंध? माने धूल। जैसे बहुत ट्रैफिक होता है ना कच्ची सड़कों के ऊपर, तो क्या उड़ती है? बहुत धूल उड़ती है, जैसे कोहरा छा जाता है। तो कुछ दिखाई पड़ेगा है? कुछ दिखाई नहीं पड़ता। धुंध माने धूल। धूल में क्या होता है? अरे धूल में मिट्टी ही मिट्टी। ये देह अभिमान क्या है? मिट्टी है। ये दुनिया किसकी है? धूल पैदा करने वालों की दुनिया है, धुंधकारियों की दुनिया है, धूल पैदा करते हैं। बाप आकर देवान को खलास करने का रास्ता बताते हैं। उनका क्या उपक्रम रहता है? क्या उपक्रम रहता है कि हम कैसे देवभान को बढ़ावें, कैसे देवभान को कायम रखें। अभी बेहद का बाप तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं, अभी भी तुम भक्ति करते हो है? कोई ऐसा है जो छाती ठोक के कहे हम तो 100% ज्ञान में ही चलते हैं, हमने भक्ति बिल्कुल छोड़ दी? कोई है? है? कोई नहीं। अरे अरे रामकृष्ण की आत्मा तो होनी चाहिए है? वो है या नहीं? अरे एक के पतित बनने से सब पतित बन जाते हैं, एक के पावन बनने से सब पावन बन जाते हैं। तो वो पहला पत्ता पावन बन गया? पहला पत्ता ही पावन नहीं बना तो बीज बाप अपने को कैसे पावन बना के सामने खड़ा कर देगा? बाप का लगाव किसमें होता है? बच्चे में लगाव होता है। बाप बच्चे को आगे करेंगे या खुद आगे हो जाएंगे? जरूर बच्चे को आगे करेंगे। बाप आते ही हैं बच्चों को आप समान बनाने के लिए। तो अभी तुम सब भक्ति करते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्रीमत के बरखिलाफ चले, माना क्या हुआ? हम भक्ति हुई, अंधेरा हुआ, भटकना शुरू हो जाता है
माया बुद्धि पे सवार हो जाती है। भक्ति के अंधियारी रात में फिर तुम माया के धक्के खाते हो, तुमको माया धक्के खिलाती रहती है। क्या धक्के खिलाती है? है क्या धक्के खिलाती है? अरे बुद्धि को एक ठिकाना मिलता है, यह 24 घंटे में बुद्धि का ठिकाना बदलता रहता है, बदलता रहता है। इसका मतलब माया हमको ठोकरें अभी भी खिलाती है। ऐसे तो तुम बच्चों को अभी बाप का हाथ मिला है। कौन सा हाथ मिला है? श्रीमत रूपी हाथ मिला है। बाप के सहारे के बिगर तुम इसे विषय वैतरणी नदी कहो, विषय सागर कहो, इससे पार नहीं जा सकते। बाप के सहारे के बगैर तुम इसमें गोते खाते ही रहते हो। ये गुरु गोसाई आदि सभी गोता ही खिलाते रहते। तो आधा कल्प चलती है भक्ति। ज्ञान मिलने से तुम नई दुनिया सत्युग में चले जाते हो। अभी तुम बच्चों को ये निश्चय है, हम बाबा को याद करते करते एक दिन पवित्र बन ही जावेंगे, फिर पवित्र राज्य में आवेंगे। ये ज्ञान भी अभी तुमको पुरुषोत्तम संगम युग पर ही मिलता है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि तुम छीछी से गुलगुल कांटों से फूल बनते हो। कौन सा युग है? साधारण संगम नहीं, कैसा संगम? पुरुषोत्तम संगम युग। ऐसे साधारण संगम तो हर दो युग के बीच में होता रहा। सतयुग त्रेता का भी संगम होता है, त्रेता द्वापर का भी संगम हुआ, द्वापर कलयुग का भी संगम होता है। ये सब साधारण संगम है, क्योंकि उन युगों में हमें पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्टधारी, हीरो पार्टधारी कौन है ये पता है? चलता है? नहीं चलता है। और यहां पुरुषोत्तम संगम युग में तुम्हें पता पड़ जाता है। तो कब से पता पड़ जाता है? है? क्या कहें? इस मनुष्य सृष्टि में उत्तम से उत्तम हीरो पार्टधारी कौन है तुम्हें पता पड़ गया या पता पड़ना बाकी है? पता पड़ गया तो पुरुषोत्तम संगम युग में, अगर पता नहीं पड़ा तो साधारण संगम युग, जैसे हर युग के बीच में होता आया ऐसे ही। तो कब से है ये पुरुषोत्तम संगम युग? कब से है? है? कन्याएं बोल रही है, है? और कोई नहीं बोल रहा, क्या बात है? 76 से, और 76 से पहले साधारण संगम युग था क्या? है? सामान्य संगम युग था या पुरुषोत्तम संगम युग था? सामान्य संगम कहेंगे, क्योंकि वहां पुरुषों में उत्तम से उत्तम पार्टधारी नंबरवार कौन है ये कोई की बुद्धि में था ही नहीं। पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि तुम छीछी से गुलगुले और कांटों से फूल बन रहे हो। और बनाते कौन है?
बाप, और बाप को भी जाना है। बनाने वाला बाप है तो, लेकिन उनको भी जाना है। वो हम आत्माओं का बेहद का बाप है, लौकिक बाप को बेहद का बाप नहीं कहेंगे। पारलौकिक बाप आत्माओं के हिसाब से सभी का बाप है। फिर ब्रह्मा का भी ऑक्यूपेशन चाहिए, क्या है ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन है, क्या है? शूद्र से ब्राह्मण बनाना। ऐसे तो तुम बच्चे सभी के ऑक्यूपेशन को जान गए हो, विष्णु के भी ऑक्यूपेशन को जानते हो। क्या है विष्णु का ऑक्यूपेशन है प्रैक्टिकल में? ऐसे ब्राह्मणों के संगठन की पालना करना जो संपूर्ण ब्राह्मण सो देवता कहे जाते हैं। अभी देखो ये ज्ञान का सूत कितना मुझा हुआ है। कोई स्वर्ग का मालिक भी तो है ना, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन, वो भी संगम में आते हैं। तो अभी बाप बैठ समझाते हैं, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का ये संगम है, ये युगों का संगम नहीं है। कौन सा संगम है? पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है। तो संक्षिप्त से कहेंगे, अरे चुप हो गए, नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया जाने वाली है, तो कहेंगे संगम। तो संक्षिप्त से संगम हुआ है? नहीं हुआ है? कैसे हुआ? कहां गई पुरानी दुनिया? मुरलियों में तो बोल दिया था, क्या बोला था? संक्षिप्तर में 10 वर्ष के बाद पुरानी दुनिया खलास हो जाएगी और नई दुनिया आ जाएगी। माने भगवान बाप झूठा हो गया। हाँ तो मैं तो पता ही नहीं है कि 1977 से नई दुनिया शुरू हुई या नहीं। हाँ हुई, अभी तो कोई नहीं बोल रहा था। कौन सी नई दुनिया दिखाई पड़ रही है, है? कहेंगे ब्रह्मा के द्वारा शूद्रों से जो ब्राह्मणों की दुनिया बनी, उस ब्राह्मणों की दुनिया में विघटन भी हुआ और नए संगठन का सूत्रपात भी हुआ। नया संगठन ब्राह्मणों का माना नई दुनिया, और पुराना संगठन माना पुरानी दुनिया। कौन सा पुराना संगठन, कौन सा नया संगठन? जो एडवांस ब्राह्मण है उनका नया संगठन, जिन्होंने बाप को पहचाना, प्रैक्टिकल में आए हुए बाप को पहचाना, या सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में बाप है। बाप का काम होता है बच्चों को जन्म देना, बच्चों को वर्षा देना। तो जन्म हुआ या नहीं हुआ है? कौन से ब्राह्मण हैं?
ब्राह्मणों को अपनी कुरी का पता लग गया है। कौन से ब्राह्मण हैं? है हाँ, मुख वंशावली तो हैं, वो तो कोई न कोई मुख से पैदा हुए ही हैं, चाहे ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हो, चाहे प्रजापिता ब्रह्मा मुख से पैदा हुए हो, चाहे ब्रह्मा कुमार कुमारियों के मुख से पैदा हुए हो, हैं तो ब्रह्मा कुमार, परंतु कौन सी कुरी के ब्रह्मा कुमार हैं, कौन सी कुरी के ब्राह्मण हैं, ये पक्का है नहीं? कोई बोलता नहीं। कौन सी कुरी के हैं? हैं? एक आदमी दो बोलते माने एक दो है सूर्यवंशी और बाकी सब सोच रहे हैं कौन सी कुरी का बनना अच्छा है। तो पुकारते भी हैं पतितों को पावन बनाने वाले आओ, इसलिए पुकारते हैं, इसलिए नहीं पुकारते हैं कि आओ और ज्ञान सुना के चले जाओ, ब्रह्मा के तन में आओ और जाओ, इसलिए बुलाते हैं नहीं, इसलिए बुलाते हैं है? पतितों को पावन बनाने के लिए आओ और पावन बना के ले जाओ। ऐसे छी छी को तो नहीं ले जावेंगे, जरूर पावन बना के ले जावेंगे और सारी दुनिया को ले जावेंगे या कोई कोई को ले जावेंगे हैं? सारी दुनिया पतित है और सबको पतित से पावन बनाकर ले जावेंगे। पुकारते भी अभी हैं, पावन दुनिया नई दुनिया और पतित दुनिया पुरानी दुनिया, ये भी जानती हो। बेहद के बाप का भी पार्ट है, पार्ट साकार शरीर के द्वारा होता है या आकारी और निराकारी के द्वारा होता है? पार्ट तो जरूर साकार शरीर से होता है, बाप का साकार पार्ट चाहिए और साकार पार्ट होगा तो भक्ति मार्ग में उसकी यादगार भी होगी या नहीं होगी है? क्या यादगार है? है? अरे क्या यादगार है? अरे लो शास्त्री सारे भूल गए, पूरे ज्ञानी हो गए अब तो है। अरे शास्त्रों में प्रजापति की यादगार है, वो भी है, वो तामसी रूप की भी यादगार है जिसको आखरीन बकरे का मुख दिखाया जाता है और फिर सात्विक पार्ट की भी यादगार है जो निराकारी स्टेज में दिखाया जाता है। कौन सी यादगार है? है शिव मंदिर में तो शिवलिंग रखा है, वो साकार की यादगार है, है? तो वो तो निराकारी स्टेज की यादगार है, यहां तो साकार की बात हो रही है। साकार शरीर चाहिए, साकारी चाहिए, तो क्या यादगार? अरे शास्त्रों में यादगार है ना, तुम आदि देव है पुरुष है पुराण है, फिर वो सब का बाप है, जगत जगत पिता है, क्रिएटर है, माना सारी मनुष्य सृष्टि का क्रिएट करने वाला है,
रचयिता है, वो सबका रचयिता है, उसका रचयिता कोई भी नहीं। वो सबका बाप है, उसका बाप कोई भी नहीं, और वो डायरेक्टर भी है। जैसे मिलिट्री में तुम बच्चे रुआनी मिलिट्री हो ना, तो मिलिट्री में ऊंचे से ऊंचे अधिकारी का नाम क्या होता है, जिससे ऊंचा कोई भी अधिकारी नहीं होता है? मिलिट्री में, दुनिया भी मिलिट्री में मार्शल ऊंचे से ऊंचा अधिकारी होता है। ऐसे ही शंकर है तुम बच्चों का मार्शल, सभी जानते हैं। तो जरूर उनकी कोई एक्टिविटी भी होगी, सभी जानते हैं। उनको आदमी नहीं कहा जाता क्या है? उनको आदमी कहा जाता है? अरे ब्रह्मा के बच्चों को कहा जाता है ब्राह्मण। बच्चों को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। बच्चे के अर्थ में, फॉलोअर के अर्थ में एक मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों को ब्रह्मा तो नहीं कहा जाता। ऐसे ही उनको आदमी नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? आदम कहा जाता है। उनको तो अपना शरीर भी नहीं है, किनको है? जो आदम में आते हैं उनको अपना शरीर नहीं है, बाकी सभी मनुष्यों को या तो मनुष्य कहेंगे या देवता कहेंगे। शिव बाबा को न देवता कहेंगे और न मनुष्य कह सकते हैं। क्यों? मनुष्य किसको कहा जाता है? मनन चिंतन मंथन करे तो मनुष्य, बिना मनन चिंतन मंथन करने के रह न सके तो मनुष्य। अगर मनन चिंतन मंथन नहीं करता तो क्या कहा जाता है? है जानवर कहा जाता है, कीड़ा मकोड़ा कहा जाता है। मनन चिंतन मंथन न करे तो देवता भी कहा जाता है। देवताएं मनन चिंतन मंथन करते हैं क्या? नहीं। हाँ, आत्मा का मनन चिंतन मंथन रहता है या नहीं रहता है? आत्म की स्थिति में तो रहते हैं, उनको देवता कहा जाता है। देवता क्यों नाम है? है लेने की किसी से इच्छा, सुख लेने की इच्छा नहीं करते, क्या करते हैं? सुख देने की इच्छा करते हैं। तो शिव बाबा को न देवता कहेंगे न मनुष्य कह सकते, क्योंकि उनको तो शरीर ही नहीं है, ये तो टेम्परेरी शरीर लिया है। जो टेम्परेरी शरीर लिया है वो गर्भ से थोड़े ही पैदा हुआ है, है? ये क्या बात है? ये गर्भ से पैदा नहीं हुआ? अरे जो टेम्परेरी शरीर लिया है वो गर्भ से पैदा हुआ है या ज्ञान गर्भ से पैदा हुआ है? है वो ज्ञान गर्भ की औलाद है। ब्रह्मा को क्या कहेंगे? है ब्रह्मा को ज्ञान गर्भ की औलाद कहेंगे या शरीर गर्भ की औलाद कहेंगे? ज्ञान गर्भ की औलाद है, बाप का ज्ञान है? है उनको तो बाप का ज्ञान है ही नहीं, और इनको
इनको तो बाप का ज्ञान है, इनको ज्ञान देने वाला कोई है साकार में? इनको ज्ञान देने वाला साकार में कोई भी मनुष्य मात्र नहीं है जो गर्भ से पैदा हुआ हो। ये है सबका बाप। तो 500-700 करोड़ मनुष्य ब्राह्मण बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे। खुद कहते हैं मीठे बच्चों को, मैं शरीर के बगैर राजयोग कैसे सिखाऊंगा? क्या क्या चाहिए? शरीर चाहिए। अच्छा, शरीर चाहिए तो बच्चों को ज्ञान सुनाने के लिए मुख चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और राजयोग सिखाने के लिए, संग का रंग देने के लिए आंखें चाहिए? अरे कम से कम आंखें चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो राहु का क्यों नहीं ले लिया है? राहु को आंखें भी हैं और मुख भी है, वो क्यों नहीं लिया है? है नहीं? 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं का बाप है ना, है या नहीं है? तो 500 करोड़ मनुष्य आत्माओं की सबकी ये स्थिति बनती है कि दृष्टि से ही प्यार लेकर के जन्म जन्मांतर संतुष्ट होते रहे, कि सिर्फ देवताओं की ऐसी स्थिति होती है? हैं? सिर्फ देवताएं ही ऐसे होते हैं जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम इंद्रियों से प्यार लेकर के संतुष्ट, थोड़े में ही संतुष्ट हो जाते हैं और सदाकाल की उनकी संतुष्टि हो जाती है। बाकी जो द्वापर से जन्म लेते हैं वो आंखों से तुष्टि हो जाएगी उनको, होती है नहीं होती है? अथवा जो द्वापर युग से और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं उनकी भी यही हालत होगी कि दूसरी होगी? हैं? उनकी भी यही हालत होती है। जैसे इब्राहिम जिसमें प्रवेश करता है वो सेकंड नारायण और उसका जन्मदाता बीज, बीज रूपात्मा, वो दृष्टि योग से ही संतुष्ट हो जाता है या बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में दृष्टि का व्यभिचार फैला देता है? हैं? उतने से संतुष्ट नहीं होता, वो दृष्टि का व्यभिचार फैलाए बगैर नहीं रहता, दृष्टि का व्यभिचार से भी उसकी तुष्टि नहीं होती, तब क्या करता है? भ्रष्ट इंद्रियों से भी पाप कर्म कर बैठता है। तो इससे साबित क्या हुआ कि बाप को सिर्फ ज्ञानेंद्रियों वाला ही शरीर चाहिए या पूरा ही शरीर चाहिए? है? पूरा ही शरीर चाहिए। 9 इंद्रियां होती हैं, कितनी? 9 इंद्रियां, 9 द्वार होते हैं, 9 चाहिए या थोड़े से काम चल जाएगा? हैं? नहीं, पूरा शरीर संपूर्ण इंद्रियों वाला चाहिए, तभी सृष्टि प्रक्रिया सतयुग के आदि से लेकर के अंत तक चलेगी, नहीं तो प्रक्रिया
चल नहीं सकती, क्योंकि एक कुरी के ब्राह्मण होते हैं या नौ कुरियों के ब्राह्मण होते हैं? नौ कुरियों के ब्राह्मण होते हैं, और सभी कुरियों का एक बाप होगा सारी सृष्टि में, या अलग अलग बाप होंगे? है, एक बाप चाहिए जिस बाप में सब प्रकार के संस्कार भरे हुए हों। मनुष्य सृष्टि में एक भी मनुष्य आत्मा ऐसी नहीं है जिसका संस्कार उस बाप में बीज रूप स्टेज में न भरा हो। तो बोला, बाप खुद कहते हैं, मीठे बच्चों, मैं शरीर बिगड़ राजयोग कैसे सिखाऊंगा? मुझे तो क्या चाहिए, शरीर जरूर चाहिए। हमको लोग बल कह देते हैं, क्या कह देते हैं, अरे शरीर बरीर की दरकार नहीं है, ठिकर भीतर से भी काम चल जाएगा। क्या मैं ठिकर भीतर में भी आता हूं, कणकण में, कणकण में, जर्रे जर्रे में भगवान आता है। अरे कणकण में, जर्रे जर्रे में आने से संघ का रंग काम करेगा? करेगा? याद आएगा? नहीं याद आएगा। परंतु अभी तो तुम समझ गए हो कि मैं कैसे आता हूं। अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, परंतु ये राजयोग कोई मनुष्य मात्र सिखलाए नहीं सकता। क्या मैं जो राजयोग सिखलाता हूं, बल ज्ञानेंद्रियों से सिखलाता हूं या कर्मेंद्रियों से भी सिखलाता हूं, पूरा शरीर मुझे चाहिए, अर्पण करते हैं। जब समर्पण होता है तो पूरा शरीर अर्पण करते हैं या आधा शरीर अर्पण करते हैं, आधा नहीं अर्पण करते हैं, पूरा तन अर्पण चाहिए। ऐसे नहीं कि आधी इंद्रियां अर्पण कर दी, आधी इंद्रियां अर्पण नहीं करना। वो हमें 63 जन्म के, 83 जन्म के साथी के साथ ही अर्पण करना है और संबंध जोड़ना है। तो ऐसे चलेगा? चलेगा? ये तो भगवान के साथ धोखा देना हो गया कि भगवान बाप सर्व संबंधों का, सर्व संबंधों की रचना हमको देने वाला है। नहीं, बाप कहते हैं, तुम बात समझ गए हो कि मैं कैसे आता हूं, क्योंकि तुम बच्चे ही राजयोग सीखते हो। इस राजयोग को एक भी मनुष्य मात्र नहीं सिखला सकता। क्यों, क्यों नहीं सिखला सकता? है, इसलिए नहीं सिखला सकता कि एक भी मनुष्य मात्र ऐसी स्टेज को पकड़ता ही नहीं। कैसी स्टेज? जो कोई पाप कर्म कर्मेंद्रियों से या ज्ञानेंद्रियों से न बने। एक बाप ही है जो शरीर में प्रवेश करते हुए भी, ज्ञानेंद्रियों व कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए भी उसको संघ का रंग नहीं लगता। देवताएं तो राजयोगी है नहीं जो सिखलावे, तो ये देवताएं बने कैसे? कोई मनुष्य नहीं सिखला सकता, देवताएं नहीं सिखला सकते, और राक्षस तो सिखलाएंगे ही क्या, वो तो होते ही हैं देह अभिमानी सांड, कर्मेंद्रियों से दुख देने वाले। तो ये देवताएं कैसे बने?
हा? अरे बने कि नहीं बने, कोई तौर तरीका है? ये देवताएं कैसे बने और कितने देवताएं बनते हैं? है 33 करोड़ देवताएं बनते हैं सतयुग आदि से लेकर के कलयुग अंत तक। ये कैसे बने? नौकुरियों के ब्राह्मण से जरूर पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप से राजयोग सीखे होंगे। क्या कैसे बने? जरूर बाप से राजयोग सीखे होंगे। अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। क्यों क्यों अथाह खुशी होनी चाहिए? क्योंकि वो बाप हम बच्चों के संसर्ग संपर्क और संबंध में आया हुआ है। दुनिया तो इस बात से महरूम है। ये बात स्मरण करने से हमारी बुद्धि में आ जाता है कि हमने ही 84 चक्र का पूरा किया है, हमारे अलावा और दूसरे कुरियों के ब्राह्मणों ने 84 का चक्र पूरा नहीं किया है। तुम शिव के 84 जन्म नहीं बतावेंगे। क्या कहा है? शिव बाबा के बता सकते हैं या शिव के बतावेंगे? शिव बाबा तो इस सृष्टि पर सदा कायम है, शिव बाप तो इस सृष्टि पर सदा कायम नहीं रहता। ये भी जानते हो कि श्री कृष्ण ही गोरा था, फिर श्री कृष्ण ही सांवरा बना। कौन सा श्री कृष्ण है? कौन सा श्री कृष्ण 100% गोरा था? सतयुग आदि में जन्म लेने वाला या शास्त्रों में जिसका गायन है संगम युगी श्री कृष्ण संपूर्ण गोरा 100%, तो संपूर्ण काला बनता है कलयुग के अंत में। वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी वैश्यवंशी शूद्रवंशी बनता। अभी ब्राह्मण कुल में है। ये बातें दुनिया में और कोई भी की बुद्धि में नहीं है, और तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं जिनकी बुद्धि में ये बातें बैठती हैं। अच्छा, ओम शांति।